सॉइल के बारे में पहली बार जब सुना जब कनिका ना कैरियर लॉन्चर के क्लासेस के लिए जा रही थी फॉर हर कैट एग्जामिनेशन, तो पहले सॉइल के किसी टीचर ने ना वहाँ प्रेजेंटेशन दी इन दैट कैरियर लॉन्चर क्लास, तो हमें ना पता नहीं, इट वॉज वन जैसे कनिका ने हमें बताया, आई मीन वी वर वेरी इम्प्रेस्ड, तो जबकि कभी हमने सॉइल के बारे में सुना नहीं था। तो उसके बाद ना हम लोग फिर सॉइल में विजिट करने गए, मैं और हम दोनों, मैं और भाई, तो हम ना वहाँ एक मतलब लड़की से मिले, आई थिंक मतलब शी वॉज स्टडिंग देयर, इट वॉज मतलब वी हैड सच ए नाइस एक्सपीरियंस टॉकिंग टू हर, यू नो एज इफ यू नो, एंड दे वर सो कमिटेड काइंड ऑफ यू नो स्टूडेंट्स, तो बड़ा अच्छा लगा। तो घर पे आके हमने कनिका से बात करी, शी सेड ओके, सोचेंगे, इतने भी सुना नहीं था ज़्यादा। अच्छा फिर हम ना एक बार फिर दोबारा कनिका को लेके गए वहाँ पे, एंड वी मेट ए विजिटिंग फैकल्टी देयर, इट वॉज ए ग्रेट एक्सपीरियंस यू नो टॉकिंग टू दैट पर्सन, तो देन वी वर कमिटेड कि हमें यहीं आना है, बट कनिका वॉज नॉट समहाउ मतलब नॉट रियली वेरी प्रिपेयर्ड, शी वॉन्ट टू गो फॉर ए नॉन कॉलेज, तो उसकी एक दो अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी होगी। तो हमने इधर जब अप्लाई करने का टाइम आया ना, सो एक्चुअली वी सॉर्ट ऑफ फोर्स्ड हर टू अप्लाई एट लीस्ट, देन वी विल डिसाइड लेटर के जाना है या नहीं जाना। तो दिस इज हाउ इट हैपेंड एक्चुअली। हां, ड्यूरिंग एक्सपीरियंस वी व्हेन शी वाज स्टडीइंग देयर, शी वाज क्वाइट पंचुअल, शी वाज क्वाइट एनर्जेटिक, शी वाज ऑलवेज रेडी कि हाँ मेरे को कॉलेज जाना है, मतलब नहीं तो ये होता था ऊर्जा का निकाह उसको उठाना पड़ता था। तो इन द बिगनिंग, इन द स्टार्टिंग शी वाज वेरी एनर्जेटिक, इसको मॉर्निंग क्लास जो यू डू दैट एक्सरसाइज, शी वॉज वेरी कमिटेड अबाउट दैट कि मेरे को वो करना है। लॉट ऑफ चेंजेस वी पार्टनर गिव अ लॉट ऑफ चेंजेस, आप लोगों तक बढ़ी गई, दैट वॉज वेरी टर्निंग पॉइंट। इवन आई जस्ट फॉरगॉट बिफोर एडमिशन ना, वी वेंट टू इंडिया इस्लामिक सेंटर, देन वी हैपन टू गो टू एक्चुअली चिन्या मिशन इज एडजॉइनिंग दैट, एंड सम फंक्शन वॉज देयर एट ऑफ सॉइल हैपनिंग एट चिन्या मिशन, so that actually that is the time when we sealed the decision ki no Kanika has to go there only, that was the time spirituality connection, we feel that they are teaching something good, wah students ko dekha wahan pe committed or some spiritual connection, ne ye nahi hai ki they are totally worldly people, to inko thoda sa inko they should know about the society also, they should feel about the society also. मतलब हमें लगा कि ये सॉइल ना डिफरेंट है, जैसे ना मेरा इंप्रेशन था एमबीए कॉलेजेस का कि यार दीज आर मतलब दे आर यू नो जनरेटिंग कनिंग गाइस, कनिंग पीपल, यू नो हु कैन यू नो टेक मोर फ्रॉम सोसाइटी एंड गिव लेस, यू नो। तो वहाँ जब मतलब सॉइल का एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट था, जब भी सॉइल में गए, जब चिन्मय मिशन में गए, सॉइल के बच्चों से मिले, तो दैट वॉज द टाइम वी डिसाइडेड कि नहीं सॉइल इज डिफरेंट एक्सपीरियंस। जो द बेस्ट जो मेरा था, मेरे को लग रहा है ना वहाँ पे ना बड़ी करेक्टर बिल्डिंग हुई है कनिका, जैसे ना वो आपकी क्लासरूम वो यू नो वो हाथ पकड़ के सारे मतलब मॉर्निंग सेशन है ना, वो जो मतलब था ना वो जो मतलब अच्छा देन मतलब वो जो उससे कनिका से जो इंटरेक्शन होती थी, या जो उसके फ्रेंड्स आप लोगों से जब आप लोग आते थे, तो बात ऐसा लगता है दे आर दिस गाइस आर लिटिल डिफरेंट, पता तो वो जाके सॉइल में डिफरेंट हुए, पता दिस ग्रुप पीपल गॉट टुगेदर एंड दे वेंट टू सॉइल, यू नो लाइक सॉइल चूज देम और दे चूज सॉइल, आई डोंट नो। तो वो करेक्टर बिल्डिंग ना बहुत डिफरेंट थी वो, इसमें साथ में ये था दे वर नॉट मतलब विच हंटिंग नहीं थी, एक दूसरे को काट नहीं रहे थे, दैट वाज अ वंडरफुल वंडरफुल थिंग दैट वी फील की नहीं भाग नहीं रहे किसी चीज, मतलब दे वर नॉट कंपीटिंग विद ईच अदर, दैट वाज द बेस्ट, मतलब शी वाज वेरी हैप्पी ऑल द टाइम कि मेरे फ्रेंड्स ने ये किया, शी वाज नॉट दैट कि मेरे को नहीं मिला, शी वाज नॉट अबाउट दैट, शी वाज वेरी हैप्पी अबाउट दैट इवन आफ्टर, मतलब शी वाज नॉट हैविंग द जॉब यू ऑल पीपल हैव, तो शी नेवर मतलब सेड कि नहीं नहीं मेरे को नहीं मिला, हो जाएगी ना पापा चिंता नहीं करो, दैट विल बी होप। तो हमें मतलब वो बहुत वो था मतलब ऐसे मतलब बॉन्डिंग ऑफ स्टूडेंट्स टुगेदर एंड मतलब यू नो दे डेवलप काइंड ऑफ मतलब आई थिंक द सॉइल हैज टू डू लॉट अबाउट दैट, उन्होंने मतलब ये काफी बिकॉज़ द कनेक्शन ऑफ विपासना, यू मे से व्हाटएवर कांट से अबाउट दैट बट समथिंग वाज देयर। हां, ये वो जो करेक्टर बिल्डिंग था ना वो बहुत वो था। अच्छा प्लस एक ना जो मेरे को एक और बड़ा अच्छा लगा था वहां पे ना, सो मतलब लकी पीपल दे वर मोर एथिकल, जैसे मैं ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए कि जैसे वन स्टूडेंट ही गॉट द जॉब देन ही लेफ्ट आफ्टर टू डेज, ही फाउंड के वो शायद ना आई थिंक के ही मतलब यू नो ही जॉइंड सम जॉब एंड ही डिडंट फाइंड के दीस पीपल आर एथिकल, देन ही लेफ्ट द जॉब, दिस इज हाउ यू नो आई मीन दे डेवलप्ड द
you know, they give education to the students. See, they have to be ethical in their work culture. And but even their NGO also, that which I think the portion of NGO where the students go, from where Kanika picked that I should join the NGO. Because you were very uncertain throughout her interviews, what should I do? Suddenly when she go to an NGO, she find, no, this is the thing where I have to work. So that is very good, to working towards the society and giving something back to the society where you are living and giving back to them. Soil ke na concept ke se men aapke mentor, you know, mentors, but that was really good. Though it matlab didn't come out matlab as well, but the, you know, the I think the thought behind that was excellent. Ki jaise apne college soil ne socha management ne ki they should have mentors so that, you know, they, I mean, they can, you know, prepare them for the, you know, for the industry. And to bahut cheez bahut achhi thi. I wish ke, like, I want ke, like, they have a, you know, with time they should have a strong alumni association, so that, you know, the kind of culture they have, so that, you know, the students, they never forget about what they have learned from them, na? So, you know, that they can develop on that. They so can, they have strong bondings together, so bonding, everyone, yeah, should have strong bondings, yeah, and they can take care of each other. If somebody is not placed, another can help in that. Alumni can help in that. The strong alumni should there. I wish a college like Soil, maybe they have a residential program, you know. Yeah. The kind of, you know, education they are giving, so that students and, you know, and the faculty, they can spend more time together. And especially, we were very happy about the visiting faculty. The kind of experience Kanika had, you know. The people just great. बहुत अच्छा, मतलब थिएटर पीपल्स वर वेरी ग्रेट. ओ या, मतलब दे वर वेरी इनोवेटिव. सोइल वर वेरी इनोवेटिव. देयर थिएटर, द योगा एंड द सतवारी, इट वाज काइंड ऑफ ए, मतलब वेरी गुड. मतलब शी हैड ए वेरी गुड टाइम दैट वन ईयर. एंड मतलब टू बी ऑनेस्ट, नो, द सोइल, दे डिड देयर बेस्ट टू गिव देम गुड, यू नो, प्लेसमेंट्स. एंड यू नो, दे गॉट इन वेरी गुड कंपनी. दो इट्स ए वेरी new college, you know, it's only a 4-year-old college, but they got good companies to, you know, get the students, and they did their best. In fact, we are very happy till even even after the children, they passed out, like for Kanika, even after 4-5 months, you know, she was getting calls, and, you know, from the college. Yeah, from the college. They were trying their level best. They were doing their best. Yeah, they were doing their best. We are very happy about it.